हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवन यूनानी फार्मेसी। आई एम डॉक्टर मोहिता। फ्रेंड, आज हम बात करने जा रहे हैं पतंजलि द्वारा बनाए गए शिलाजीत कैप्सूल की। क्या इसके फायदे होते हैं, क्या इसके नुकसान होते हैं, किस कंडीशन में लेना है, कब नहीं लेना, इस बारे में विस्तार से करेंगे जानकारी। इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े मेरी गुजारिश आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, घंटी बेलन दबाएं, जिससे कि आने वाली हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अब बात कर लेते हैं पतंजलि शिलाजीत कैप्सूल की। ये जो है बहुत ही बढ़िया कैप्सूल है। ये हर मेडिकल स्टोर पर बहुत आसानी के साथ मिल जाता है और पतंजलि स्टोर पर बहुत आसानी के साथ मिल जाता है। ये टोटल देसी जड़ी बूटी द्वारा बनाया गया शिलाजीत है, जो बहुत ही बढ़िया आयुर्वेद का वरदान है। इसका इस्तेमाल इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए कराया जाता है, यानी कि बीमारियों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाया जाता है, स्टेमिना को बढ़ाया जाता है, या फिर वो पुरुष जो अपने वैवाहिक जीवन सही से नहीं व्यतीत कर पा रहे हैं, कमज़ोरी रह रही है, टाइम की कमी रह रही है, शुक्राणु की कमी है, शुक्राणु पतले हो चुके हैं, या फिर विरह में पतलापन आ चुका है, या फिर उन्हें जो है लिंग में तनाव नहीं होता है, अपने पार्टनर को खुश नहीं कर पाते हैं, अपनी शादीशुदा लाइफ सही से नहीं जी पाते हैं, इन सब बीमारियों को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। या फिर उन्हें गुप्त रोग होगा, या फिर यूरिनरी डिसऑर्डर यानी कि पेशाब में कोई इन्फेक्शन है, जलन है, या फिर उन्हें जो है अपने पार्टनर से मिलने में जलन होती है, दर्द होता है, या फिर कमज़ोरी हो रही है, थक रहे हैं, ज़्यादा से देर में थक जाते हैं, अपने पार्टनर को खुश नहीं कर पाते हैं, इन सबको बीमारी के दूर करने के लिए पतंजलि द्वारा बनाए गए शिलाजीत कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। अब जान लेते हैं इसकी डोज। इसे जो है एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम दूध के साथ लेना चाहिए, जिससे कि आपकी कमज़ोरी दूर होगी, सुस्ती आलस दूर होगा और वीकनेस दूर होगी, सेक्सुअल जो है हार्मोन्स वो बढ़ेंगे, चेंजेस आएंगे उसमें, विरह अगर पतला है तो विरह गाढ़ा होगा, शुक्राणु की कमी है, शुक्राणु बढ़ेंगे, अपने पार्टनर को अच्छे तरीके से खुश कर सकते हैं और अपने मैरिज लाइफ अच्छे तरीके से जी सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, घंटी बजाने का दबाएं, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।